अब अगर आप लोग डिफॉल्टर हो, किसी भी कारण से लोन का रिपेमेंट नहीं किए हो और लोन रिटर्न ऑफ हो चुका है, फिर भी आप लोगों को लोन मिल जाएगा। अगर आपका कोई ओवरड्यू चल रहा है, फिर भी आप लोगों को लोन मिलेगा। दोस्तों, अगर आप लोग बिजनेस करते हो और अपना बिजनेस बहुत ही छोटा है, मतलब सालाना 5 लाख का टर्नओवर होता नहीं है, जिसके कारण आपके पास ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं है, फिर भी आप लोग लोन का तलाश पर हो, आज का वीडियो ना बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। इस वीडियो पर मैं आप सबको एक ऐसा लोन सर्विस के बारे में बताऊंगा जहां पर इनकम प्रूफ का जरूरत होता नहीं है, लेकिन आप लोगों को काफी आसानी से लोन मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप लोग सेल्फ एम्प्लॉई हो, मतलब खुद का काम खुद करते हो, जैसे कि कंटेंट क्रिएटर, फ्रीलांसर, इंजीनियर, लॉयर, डॉक्टर, उस केस पर भी काफी आसानी से इसी सर्विस के माध्यम से लोन मिल जाएगा। वीडियो सच में यार बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। मेक श्योर स्टार्टिंग से लेके एंड तक ध्यान से देखिएगा वीडियो को बिना स्किप करते हुए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी मैं आज आप सबको जानकारी दूंगा, मेरा पार्टनर पैनल के अकॉर्डिंग और मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ है उसी एक्सपीरियंस के आधार पर। जैसे कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ बेनिफिट वाला सेक्शन पर, क्योंकि मैं सबसे पहले बेनिफिट के बारे में आप सबको जानकारी दूंगा। जैसे कि अगर आप लोग लोन के लिए अप्लाई करते हो, यहाँ पर 3 लाख रुपीज तक का लोन काफी आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर 10,000-20,000 का बात नहीं हो रहा है, 3 लाख रुपीज तक का लोन काफी आसानी से मिल जाएगा। उसके अलावा अप्रूवल इंस्टेंट के इंस्टेंट होता है, मतलब अगर आपको लोन मिलना है भैया 10 मिनट के अंदर अंदर मिल जाएगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। और जैसे कि ये एक ऑनलाइन लोन है, इसका मतलब बैंक से थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा। उस केस पर ये जो पार्टिकुलर लोन सर्विस है कम से कम 2% इंटरेस्ट पर मंथ लेता है और ये मैक्सिमम 3.5% तक जा सकता है। उसके अलावा अगर आप लोग अर्ली रिपेमेंट करते हो, फिर भी किसी भी प्रकार का कोई प्रोसेसिंग फी नहीं है। और सबसे खास बात यह है, अगर आपको लोन के लिए रिजेक्ट कर दिया जाता है, फिर भी अपना क्रेडिट स्कोर के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है। आज तक आपने इतना ही सुने होंगे, इतना ही पता होगा आप सबको कि अगर हम लोग लोन के लिए अप्लाई करेंगे क्रेडिट स्कोर के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। लेकिन गाइज, इसी पार्टिकुलर लोन सर्विस के माध्यम से अगर आप लोग लोन के लिए अप्लाई करते हो और अपना प्रोफाइल को रिजेक्ट कर दिया जाता है, फिर भी क्रेडिट स्कोर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। उसके अलावा अगर आप लोग न्यू कस्टमर हो, फिर भी आप लोगों को काफी आसानी से लोन मिल जाएगा। अगर अपना बिजनेस छोटा है, उस केस पर भी लोन मिल जाएगा काफी आसानी से, ITR का जरूरत होता नहीं है। चलिए अभी मैं आप सबको बताऊंगा कौन कौन ये लोन के लिए एलिजिबल है। अगर आप लोग लोन लेना चाहते हो, अपना एज कम से कम 23 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 50 साल। उसके साथ साथ अपना क्रेडिट स्कोर का जो CRIF स्कोर होता है, उस CRIF के मुताबिक कम से कम 630 स्कोर होना चाहिए। ये क्रेडिट स्कोर के बेसिस पर ही लोन दे देते हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। और गाइस, क्रेडिट स्कोर CRIF के अकॉर्डिंग 630 होना कोई बड़ा बात नहीं है, ज़्यादातर लोगों का स्कोर 630 ही होता है, मतलब ज़्यादातर लोगों को काफ़ी आसानी से ये लोन मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपका कोई ओवरड्यू चल रहा है, फिर भी आप लोगों को लोन मिलेगा, ये और एक खुशखबरी है यार। लेकिन ध्यान में रखेंगे अपना ओवरड्यू 500 रुपीज से कम होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप लोग डिफॉल्टर हो, किसी भी कारण से लोन का रिपेमेंट नहीं किए हो और लोन रिटर्न ऑफ हो चुका है, फिर भी आप लोगों को लोन मिल जाएगा। लेकिन ध्यान में रखेंगे रिटर्न ऑफ का अमाउंट 1000 रुपीज से कम होना चाहिए, और क्या कुछ देगा भैया। मतलब अगर आप लोग डिफॉल्टर हो, अपना कोई ओवरड्यू चल रहा है, फिर भी आप लोगों को लोन मिलेगा, इतना बढ़िया एक मौका है।
लेकिन ये एक ऑनलाइन लोन है, इसका मतलब अगर आप लोग मोबाइल यूज करते हो फिर आप लोग लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। साथ में अपना आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है, उसके साथ साथ अपना जो बैंक अकाउंट है उसी बैंक अकाउंट पर भी मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है। कहने का मतलब यह है अपना आधार कार्ड पर जो मोबाइल नंबर लिंक है और अपना बैंक अकाउंट पर जो मोबाइल नंबर लिंक है दोनों सेम होना चाहिए। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अभी मैं आप सबको बता दूं ये लोन के लिए आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे। वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को एप्लीकेशन करने का लिंक मिल जाएगा, टॉप वन पेज लेटेस्ट सर्विस, आप लोग उसी लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का एक नया पेज ओपन हो जाएगा अपना ब्राउजर के माध्यम से। आप लोग नीचे की तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और ये मेरा बनाया हुआ पोर्टल है, मतलब मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ और इसका सर्टिफिकेट भी आप लोगों को इसी जगह पर मिल जाएगा। गाइज इस जगह पर मैं एक प्रोमोशन कर देता हूँ मेरा खुद का, अगर आप लोग वीडियो को इतना तक देख चुके हो इसका मतलब आप लोग भावना में खो गए हो, भावना से थोड़ा वापस आइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। वीडियो को अगर आप लोगों ने पसंद किए हो प्लीज यार लाइक कर दीजिएगा, लेकिन हाँ अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया है डिसलाइक करके मुझे इतना मैसेज जरूर पहुंचाना कि आपका वीडियो सही नहीं है। तो चलिए हम लोग आ चुके हैं इसी पार्टिकुलर पेज पर, नीचे लोन नाम का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप लोग थोड़ा सा बस इसको स्लाइड करेंगे इस जगह पर देखिए एस्पायर इंस्टेंट बिजनेस लोन, इसको ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अभी और एक नया पेज ओपन हो जाएगा एंड इस जगह पर आप लोगों को जानकारी मिल जाता है, जैसे कि 3 लाख रुपीज तक का लोन मिल जाएगा 10 मिनट के अंदर अंदर, इंटरेस्ट रेट कम से कम 2% मैक्सिमम 3.5% तक प्रति महीना जा सकता है और ये नया कस्टमर लोगों को भी मिल जाएगा। सो इस जगह पर आप लोग अपना नेम डालेंगे, उसके नीचे अपना मोबाइल नंबर, उसके नीचे अपना ईमेल एड्रेस और अपना पिन कोड। ध्यान में रखेंगे अगर अपना पिन कोड पर ये लोन सर्विस चालू है उस केस पर आपको लोन मिलेगा, अदरवाइज नहीं भी मिल सकता है। बस इतना करने के बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा और आप लोग लोन के लिए काफ़ी आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। अभी मैं आप सबको बता दूं लोन अप्लाई करने के समय अगर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आते हैं तो भैया हमारा टीम है आप सबको हेल्प करने के लिए। आपको कमेंट के माध्यम से हम लोगों को बताना पड़ेगा क्या दिक्कत आ रहा है। उसके अलावा अगर आप लोग मेरे साथ फोन के माध्यम से बात करना चाहते हो, वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर कॉल मी फॉर ऐप का यूजर आईडी मिल जाएगा, उसी यूजर आईडी को फॉलो करते हुए कॉल मी फॉर ऐप के माध्यम से आप लोग मेरे साथ फोन पर बात भी कर पाएंगे। साथ में मेरा टेलीग्राम पर एक चैनल भी है और ग्रुप भी है जहां पर मैं एडवांस लेवल का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और मेरा एक्सपीरियंस शेयर करते रहता हूं। आप लोगों को ग्रुप के माध्यम से और चैनल के माध्यम से भी हेल्प मिल जाएगा, आप लोग बस टेलीग्राम पर जाएंगे हेल्प मी तरुण लिख के सर्च करेंगे, चैनल और ग्रुप दोनों मिल जाएगा, ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूले। और गाइस अगर लोन अप्लाई करने के बाद किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आता है मेरे साथ अपना स्थिति शेयर करना बिल्कुल ना भूले। आई होप पूरा का पूरा जानकारियां मिल चुका है, फिर भी कुछ डाउट है भैया कॉमेंट प्लीज करना बिल्कुल ना भूले। बहुत कुछ मैंने बता दिया और वीडियो जैसे भी हो थोड़ा बहुत शायद लंबा भी हो चुका है और कुछ नहीं बनना है, बट भाई को सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूले। फिलहाल इतना ही, लेकिन हाँ बहुत जल्दी मैं मिलने का कोशिश करूंगा आप सबके साथ। आज के लिए गाइस बाय बाय।